नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरे तरफ से नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो मतलब हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। अगर माना जाए तो वो हमारे समाज के लिए कलंक है। तो दोस्तों, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ इसको जानने के लिए आइए देखते हैं आज का पूरा वीडियो। अभी आपने जिसको देखा ये थी स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, साथ ही एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, जो कि हमारे इंडिया के ये खराब हालतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्नड है और ये दिन रात प्रोटेस्ट कर रही है हमारे लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। और कोई भी अगर ख़राब सिचुएशन जब भी आता है, इन्होंने हमेशा अपना आवाज़ उठाया है। एट 31st of December उन्होंने ये पोस्ट डाला था ट्विटर में, और ये पोस्ट के डालते ही उनके अकाउंट में, उनके ट्विटर में इस पोस्ट के नीचे गंदे गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए। और जिन्होंने भी ये कमेंट्स डाला, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अबे सालो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, या फिर तुम अपने माँ बहनों को भी ऐसे ही गंदे गंदे कमेंट पास करते हो? हाँ, ये वही लोग हैं दोस्तों जो जाकर बाद में रेप करते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके कारण हम लड़कों का नाम खराब है, और ये वही लोग हैं जिनके कारण हमारी माँ बहनें रास्तों पर, सड़कों पर अकेला घूम नहीं सकती। अभी हैदराबाद में एक इतना बड़ा केस होके गया, फिर भी इन हरामियों के अकल नहीं आई। हाँ, मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आप जहाँ भी ऐसे लोग दिखते हैं ना जो गर्ल्स का डिसरिस्पेक्ट करता हो, जो उन्हें छेड़ता हो, जो उन्हें गाली देता हो, गंदे गंदे बात बोलता हो, मारो झापड़ उनको, उनके कान के नीचे हाथ लगाओ अपना, क्योंकि तभी उनकी अकल आएगी और उन्हें ये समझ आएगा कि महिलाओं से बातें कैसे किया जाता है। तो मैंने जब ये देखा ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और मैंने अपना आवाज़ उठाया। दोस्तों, आप भी अपना आवाज़ उठाएं, जहाँ पर भी ऐसा कुछ गलत देखते हैं आप प्लीज़ चुप मत रहिए, आप अपना आवाज़ उठाएं, एटलीस्ट एक ट्वीट, एक पोस्ट या एक स्टेटस तो डालिए जिससे मतलब पढ़ के लोगों को ये समझ आए कि हाँ, ये चीज़ गलत है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आज आप लोग ही अगर आप चुप बैठ जाओगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, तो फिर क्या होगा? फिर इनको तो और भी अच्छा मौका मिल जाएगा ना ये सब काम करने का। दोस्तों, मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत लगा, इसलिए मैंने आवाज़ उठाया। और आप भी दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी चुप मत रहिए, आप भी जहाँ पर भी ऐसा कुछ गलत देखते हैं आप अपना आवाज़ ज़रूर उठाइए। दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने जब पूरी अच्छी तरीके से इस ट्वीट को एनालाइज़ किया, इसके कमेंट्स को पढ़ा, एक एक लोगों को देखा, तब मुझे ये मिला कि इसमें जितने लोगों ने एब्यूसिव कमेंट्स किए थे स्वरा भास्कर जी के ऊपर, उनमें मैक्सिमम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सपोर्टर्स थे। दोस्तों सोचिए, मैक्सिमम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सपोर्टर्स थे जिन्होंने ये काम किया है। यानी कि इससे ये देखकर हमें ये पता चलता है कि कुछ लोगों का हमारे देश में मान धर्म, मॉरल वैल्यूज कुछ भी है ही नहीं, ना ही महिलाओं को लेकर, ना ही अपने देश को लेकर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से एट लास्ट यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ महिलाओं का रेस्पेक्ट करें, गर्ल्स का रेस्पेक्ट करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।